नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मेरा नाम है तपन और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि HDFC बैंक के ATM पर किसी और बैंक के कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं। HDFC बैंक में बहुत सारे फंक्शंस दिए जाते हैं ATM को लेकर, और HDFC बैंक के ATM ज़्यादातर चालू भी मिलते हैं, यानी कि इनका अप टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि HDFC बैंक के ATM बंद है, इसलिए आप अपने दूसरे कार्ड से भी, दूसरे बैंक के कार्ड से भी HDFC बैंक के ATM को प्रेफर कर सकते हैं और वहाँ पे जा करके पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि HDFC बैंक का ATM आपको चालू मिलेगा। और HDFC बैंक में एक और सुविधा होती है जो अदर बैंक कार्ड होल्डर्स को भी देते हैं, जिसमें हम बहुत ही जल्दी से, बहुत ही फेवरेट ट्रांजेक्शन सेट करके हम बहुत ही जल्दी से पैसे निकाल सकते हैं। इन सब के बारे में आज के वीडियो में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ATM से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे वीडियोस में मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HDFC बैंक के ATM पर जाने के बाद में सबसे पहले हम, मेरा ये SBI का कार्ड है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही मैंने ये SBI का कार्ड इंसर्ट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजेक्शन का स्क्रीन आया। ये मैं SBI का कार्ड है जो HDFC में यूज़ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी भाषाओं का चयन दिखाएगा, मराठी, बांग्ला, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश भाषा का चयन करता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अदर बैंक यानी HDFC बैंक के ATM में दूसरे बैंक के कार्ड होल्डर्स को ये ऑप्शंस मिलते हैं, चेंज योर पिन, कैश विड्रॉल, चेक योर बैलेंस, गेट मिनी स्टेटमेंट, यानी कि पिन नंबर हम चेंज कर सकते हैं, कैश विड्रॉल यानी कि पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं यानी अपने खाते की शेष जमा राशि की जानकारी यहां से मिल जाएगी। इसके बाद मिनी स्टेटमेंट हम यहां से निकाल सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग भी यहां से इस ATM के थ्रू किया जा सकता है, वो ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद हमको पैसा निकालना है तो हम विड्रॉ कैश यानी जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे, उसमें सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता, और उसके बाद जो अमाउंट है वो डालना है, कंफर्म करेंगे, और उसके बाद में ATM का जो पिन नंबर है 4 आंकड़ों का, वो पिन नंबर इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेसिंग, यानी कि ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। और आप देख सकते हैं आपको मैसेज आएगा कार्ड खींच लीजिए, तो कार्ड हम जैसे ही बाहर खींच लेंगे उसके बाद ही पैसा बाहर आएगा। तो कार्ड लेने के बाद आप देख सकते हैं ये ₹500 का विड्रॉल हो गया है। तो इस तरह से हम HDFC बैंक के ATM से पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आज के वीडियो में बताना चाहता हूं, HDFC बैंक का जो ATM है वो हमको एक फंक्शन देता है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, कि जैसे कि मैंने अभी ये SBI बैंक का कार्ड था, पहली बार किसी HDFC बैंक के ATM में यूज़ किया और मैंने ₹500 का विड्रॉल किया। अब मैं अगली बार किसी भी HDFC बैंक के ATM में जाऊँगा तो मुझे सीधा स्क्रीन पर पूछेगा विड्रॉ ₹500, यानी कि कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और सीधा ATM पे जाना है, कार्ड डालना है, विड्रॉ 500, पासवर्ड डालो और सीधा ₹500 बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, आप देखिए इसको, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। अब आप स्क्रीन पे देखिए, अब मैं कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, SBI का वही कार्ड है, इस ATM में इंसर्ट किया, तो अब देखिए आप ऑप्शंस बदल जाएंगे, पहले जो 5 ऑप्शंस आ रहे थे वो नहीं आएंगे। और देखिए आप सामने देख सकते हैं माई ऑफर्स करके ऑप्शन है, और ये मेन देखिए सीधा विड्रॉ 500 रुपीज का ऑप्शन आ गया है। देखिए मैं पोस्ट करके बताता हूँ आपको, विड्रॉ 500 का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, और जबकि पिछली बार मैंने यही कार्ड डाला था तो इस तरह का ऑप्शन आ रहा था, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ही अब आप इस 500 रुपीज को टच करेंगे, विड्रॉ 500 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पे, सेविंग्स अकाउंट, ये हमारा ट्रांजेक्शन सेट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको टच करूँगा, क्लिक करूँगा, बटन दबाऊँगा और पिन नंबर डालूँगा, तो तुरंत मेरा जो ₹500 का ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कार्ड इंसर्ट करो, विड्रॉ 500 करो और पिन नंबर डालो और पैसा बाहर आ गया। ये देख सकते हैं आप, मैं यानी कि इस तरह से आप केवल
30 सेकंड के अंदर या 30 या 40 सेकंड के अंदर अपना पूरा ट्रांजेक्शन करके निकल सकते हैं, पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि HDFC बैंक ये जो ऑप्शन है, जो HDFC बैंक के कार्ड्स हैं उनके कस्टमर हैं, उनके अलावा दूसरे बैंक्स को भी देता है, यानी आप किसी भी कार्ड से इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। पहली बार आप जब भी जाएंगे, आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उन ट्रांजेक्शन को आपको अगली बार जब जाएंगे तो उन ट्रांजेक्शन्स को दिखाएगा वहाँ पे। मान लीजिए आपने पहली बार 1000 रुपया निकाला, 500 रुपया निकाला, तो वो एज ए फेवरेट ट्रांजेक्शन सेट हो जाएगा। और अगली बार आप जैसे ही कार्ड डालेंगे सीधा वही ऑप्शन आएगा, विड्रॉ 500 या विड्रॉ 10,000, जो भी आपने पिछली बार निकाला था उसको आप सीधे टच करेंगे, पिन नंबर डालेंगे और आपका पैसा बाहर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए आपको पसंद आया है तो, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ATM से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिलती रहती है। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करने का हमारा टारगेट है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और इस तरह से ATM से जुड़ी हुई जानकारियाँ काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। आज का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।